की पावन पावन कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कामिका एकादशी की मैं महिमा बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। किसके व्रत का क्या होता है असर बताता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सावन मास की पावन पावन कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सावन की एकादशी अति पावन एकादशी, अति पावन एकादशी सावन की एकादशी। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भक्तों, कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। कामिका एकादशी पवित्रा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। बात बड़ी प्राचीन है भक्तों तुम्हें सुनाता हूँ, कामिका एकादशी का फल तुमको दिखलाता हूँ। किसी गांव में सभी जातियां रहती थी एक साथ, एक दूजे के काम आते थे मिला हाथ से हाथ। ब्राह्मण ठाकुर नाई यादव वर्मा और कुम्हार, सारा गांव ही लगता था एक ही है परिवार। कोई भी हो कार्य किसी का मिलकर करते थे, कोई मुसीबत गांव पे आए मिलकर लड़ते थे। ऐसे सुंदर गांव का मैं दर्शन करवाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कामिका एकादशी की मैं महिमा बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सावन की एकादशी अति पावन एकादशी, अति पावन एकादशी सावन की एकादशी। कहते हैं खुशी हो या गम, ज्यादा दिन तक कोई भी नहीं टिकता है। उस गांव के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक ब्राह्मण से एक ठाकुर की कहा सुनी हो गई, बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। ठाकुर साहब दबंग किस्म के ठाकुर थे, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और ठाकुर साहब के हाथों ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। सुनिए आगे क्या होता है। ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया ठाकुर के सिर पर, रोए और पछताए ठाकुर अपनी गलती पर। तिर भी करा दो उस ब्राह्मण की सोच रहा मन में, पाप हो गया मुझसे भारी अपने जीवन में। गांव में सबने चर्चा की ब्राह्मण की तेरवी की, फैल गई जब बात गांव में उसकी तेरवी की। सब लोगों ने मना कर दिया हम ना आएंगे, महापापी के घर का खाना हम ना खाएंगे। क्या करता है ठाकुर वो आगे बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कामिका एकादशी की मैं महिमा बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सावन की एकादशी अति पावन एकादशी, अति पावन एकादशी।
जब तेरहवीं की बात गांव में फैलती है तो सारे गांव वाले एकजुट हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि हम उस महापापी ठाकुर के घर का पानी भी नहीं पिएंगे जिसके सिर पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा हुआ है। गांव वालों का ऐसा फैसला सुनकर कि ठाकुर मन ही मन बड़ा दुखी होता है। अति मन में ठाकुर और हुआ भय भी, सोते जागते देखता रहता बीता हुआ अतीत। कैसे उतरेगा मेरे सर से ब्रह्म हत्या का दोष, मेरे हाथों मारा गया वो ब्राह्मण था निर्दोष। तड़पे रोए आंसू बहाए सबसे पूछे उपाय, ब्रह्म हत्या के मुझको छुटकारा मिल जाए। कोई बात करे ना उससे कोई न पूछे हाल, रो रो करके उस ठाकुर का हाल हुआ बेहाल। क्या करता है ठाकुर अब मैं वो बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ कामिका एकादशी की, मैं महिमा बतलाता हूँ सुनाता हूँ। सावन की एकादशी अति पावन एकादशी, अति पावन एकादशी सावन की एकादशी। ठाकुर गांव में घर घर जाकर हाथ जोड़ता, माफी मांगता, सबके आगे नाक रगड़ता, अपनी मुक्ति की उपाय पूछता, अपनी करनी का उसको बड़ा पछतावा हो रहा था। गांव के सारे श्रेष्ठ जनों ने उसको समझाया, महापाप से मुक्त हो कैसे उसको बतलाया। हरि श्री विष्णु जी की करो आराधना तुम, पाप से मुक्ति मिल जाएगी करो प्रार्थना तुम। सावन माह की एकादश का व्रत करना होगा, जितने नियम है एकादश के सब करना होगा। पवित्र एकादशी का तुमको फल मिल जाएगा, ब्रह्म दोष से मुक्ति का तुम्हें हल मिल जाएगा। नहीं है इसमें तनिक भी संशय, सत्य बताता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ। कामिका एकादशी की मैं महिमा बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सावन की एकादशी अति पावन एकादशी, अति पावन ठाकुर को कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह देते हैं। कामिका एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। पवित्रा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या का दोष भी उतर जाता है। वो ठाकुर सावन माह में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है। उसी रात श्री हरि उसके स्वप्न में आके कहते हैं, हे ठाकुर, तुम्हारे सिर से ब्रह्म हत्या का दोष उतर चुका है। अब तुम ब्राह्मण की तेरहवीं कर सकते हो। तुम्हारे घर का सूतक नष्ट हो चुका है। उसके सपने में हरि आके उसे बताते हैं, मुक्ति मिल गई पाप से तुझको ये समझाते हैं। सूतक नष्ट हो गया घर का व्रत के करने से, अब तू तेरवी कर सकता है मेरे कहने से। सुबह उठा सो करके ठाकुर था वो बड़ा खुशहाल, तेरवी की
पाता है। हाथ जोड़ सुखदेव मैं सबको शीश नवाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ कामिका एकादशी की, मैं महिमा बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। सावन की एकादशी विष्णु जय श्री हरि, जय 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 जगदीश, जय विष्णु जय श्री हरि, जय जय श्री जगदीश। हाथ जोड़ विनती करो, दीजो मम आशीष हरि जी, दीजो मम आशीष। आदि नहीं ना अंत है श्री हरि अनंत, आदि नहीं ना अंत है श्री हरि अनंत। महिमा वर्णन कर रहे प्रतिदिन साधु संत हरि के, प्रतिदिन साधु संत। शैया साजे शेष की, संग श्री लक्ष्मी मात, शैया साजे शेष के, संग श्री लक्ष्मी मात। करुणा सागर कर रहे करुणा की बरसात हरि जी, करुणा की बरसात। ओम नमो नारायणा, नमो नमो भगवान, ओम नमो नारायणा, नमो नमो भगवान। देव में तुम श्रेष्ठ हो, तुम ही देव प्रधान हरि जी, तुम ही देव प्रधान। बड़ा धरा पर पाप जब हुआ अधिक संताप, बड़ा धरा पर पाप जब हुआ अधिक संताप। चक्र सुदर्शन धार कर हुए अवतरित आप हरि जी, हुए अवतरित आप। रावण वध के हेतु ही बन के आए राम, रावण वध के हेतु ही बन के आए राम। श्री विष्णु तुम एक हो, मगर अनेकों नाम तिहारे, मगर अनेकों नाम।
राम हुए रावण मरा, कृष्ण हुए तो कंस, राम हुए रावण मरा, कृष्ण हुए तो कंस, ना रावण का ना कंस का शेष रहा कोई वंश हरि जी, शेष रहा कोई वंश, भक्त आपका एक था परम भक्त प्रहलाद, भक्त आपका एक था परम भक्त प्रहलाद, विष्णु भगत के रूप में दुनिया करती याद है उसको, दुनिया करती याद। हिरण्यकश्यप ने किया पुत्र पे अत्याचार, हिरण्यकश्यप ने किया पुत्र पे अत्याचार, धार रूप नरसिंह का किया दुष्ट संघार आपने, किया दुष्ट संघार, समुद्र मंथन जब हुआ निकले 14 रत्न, समुद्र मंथन जब हुआ निकले 14 रत्न, मिलना अमृत राहु को किए हजारों यत्न थे उसने, किए हजारों यत्न, लीला सब थी आपकी धरा मोहिनी रूप, लीला सब थी आपकी धरा मोहिनी रूप, राक्षस मदिरा पी गए देख के रूप अनूप हरि का, देख के रूप अनूप, अमृत देवों को दिया दैत्यों को मदिरा, अमृत देवों को दिया दैत्यों को मदिरा, श्री विष्णु जी आपने देवन अमर किया हरि जी, देवन अमर किया, भस्म असुर पीछे पड़ा भाग्य भोलेनाथ, भस्म असुर पीछे पड़ा भाग्य भोलेनाथ, दिया आपने ही प्रभु शिव शंकर का साथ हरि जी, शिव शंकर का साथ, धार मोहिनी रूप फिर असुर का किया विनाश, धार मोहिनी रूप फिर असुर का किया विनाश, भस्म असुर निज शीश पर
धर लिया अपना हाथ हरि जी, धर लिया अपना हाथ। किस में इतना ज्ञान है लिखे आपका सार, किस में इतना ज्ञान है लिखे आपका सार, महिमा से ही आपकी चलता है संसार हरि जी, चलता है संसार। जय विष्णु जय श्री हरि, जय 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 जगदीश, जय विष्णु जय श्री हरि, जय जय श्री जगदीश। हाथ जोड़ विनती करो दीजे मम आशीष हरि जी, दीजे मम आशीष। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म
की